तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाइक ड्राइवर कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर बाइक ड्राइवर बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। इसमें आपको एक एक करके सभी जानकारी दी जाएगी कि आप एक बाइक ड्राइवर कैसे बन सकते हैं, किस तरह से आपको बाइक चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, आप एक बाइक किस तरह से चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी वाहन को अपने लिए चला रहे हैं या सड़क पर चलाने जा रहे हैं, तो आपको सड़क पर चलाते हुए विशेष ध्यान रखना होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सड़क पर सही चल रहे हैं, सामने वाले का कुछ पता नहीं होता कि वह किस तरह से गाड़ी चला रहा है। आपको अपनी गति और अपने सभी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। आपको हमेशा हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि अगर आप हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं तो आपको इसके लिए बहुत सेफ्टी होती है। और दोस्तों, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर आप कभी कोई पुलिस संचालन आपको पकड़ लेता है, तो वह सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, जिसमें अगर आपका एक लाइसेंस नहीं पकड़ पाया गया तो आपको बहुत जुर्माना भरना पड़ता है और आपको हेलमेट को भी लगाना होता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर आपका चालान काटा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए ऐसी ही जानकारी आपको आगे हमारी वीडियो में दी जाएगी कि बाइक ड्राइवर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, बाइक ड्राइवर बनने के लिए आपको किन किन बातों को समझना होता है। एक बाइक चलाने के लिए आपको हमारी वीडियो में सभी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट दी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो को स्किप करके देखने से आपको बहुत से पॉइंट समझ में नहीं आते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जान लेते हैं कि बाइक ड्राइवर कैसे बने। तो आइए चलिए दोस्तों, जान लेते हैं बाइक ड्राइवर कैसे बने। आज के समय में पढ़ाई के लिए, पैसे कमाने के लिए लोग अपने घरों से दूर, अपने शहर से दूर, और आप तो जानते ही हैं शहरों में एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना कठिन होता है। ऐसे में अगर आपको कोई काम होता है, रोज़मर्रा की यात्रा जैसे ऑफिस जाना, मार्केट जाना या अन्य अपने किसी भी काम के लिए जाना चाहते हैं, और आपके पास आपकी अपनी गाड़ी नहीं है, तो आप टैक्सी, ओला, यूबर, बस, ऑटो का विकल्प चुनते हैं। किंतु आपको जानकारी के लिए बता चाहते हैं कि आपके पास एक इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जिसमें आप कम पैसे की जगह जाना चाहते हैं वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यह विकल्प बाइक ऐप के मदद से आप अपनी रोज़मर्रा की यात्रा जैसे ऑफिस जाना, मार्केट जाना या अन्य अपने किसी भी काम के लिए जाना चाहते हैं, तो आप बाइक ऐप से जल्दी और काम पैसों से आसानी से जा सकते हैं। यह अन्य टैक्सी बुकिंग ऐप की तुलना में देखा जाए तो उनमें बहुत ही सस्ता है, इसलिए लोग इसे बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। बाइक ड्राइवर कैसे बने। भारत की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी बुकिंग ऐप बाइक टैक्सी बुकिंग ऐप है, जो हर रोज़ सवारी यात्रियों के लिए जोखिम मुक्त सुनिश्चित करती है। प्राथमिकता विशेषतर मेट्रो शहर में आवागमन के लिए ग्राहकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता सुरक्षित है। बिना किसी अतिरिक्त लागत के हर रैपिडो सवारी को बीमा इको बीमा के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक बाइक रेसर बनना चाहते हैं, तो आपको बाइक चलाने से लेकर सभी जानकारी जानना बहुत आवश्यक होता है। बाइक चलाने के लिए आपके पास सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको बाइक चलाने अच्छे से आनी चाहिए। बाइक चलाने के करियर में आपको एक साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप बाइक रेसर बनना चाह रहे हैं तो आप अच्छे से बाइक चलाना सीख जाए। एक साल में कोई भी बंदा परफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आइए ऐसे ही आगे की जानकारी जान लेते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि बाइक रेसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। बाइक रेसर और बाइक रैपिडो अलग अलग होते हैं। बाइक रैपिडो में आप बुकिंग कर करके जा सकते हैं। तो दोस्तों,
आइए मैं आपको आगे की जानकारी की तरफ लेकर चलती हूँ और आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। हम आपको हमारी वीडियो में एक एक करके सभी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। तो चलते हैं पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आगे की जानकारी की तरफ और जान लेते हैं बाइक ड्राइवर बनने के लिए क्या क्या करना होता है। कई लोग बाइक टैक्सी विकल्प पसंद करते हैं क्योंकि वह पैकेट फ्रेंडली है और परिवहन के एक तेज तरीका है। बाइक टैक्सी सेवा विकल्प चुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक तो यह सभी सेवा विकल्प चुनने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, विकल्पों में सबसे सस्ता है, और दूसरा यह है कि इसमें आप अपने डेस्टिनेशन के अंतिम छोर तक पहुंच पाएंगे। यदि आप रैपिडो के बड़े में कप्तान बनना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। रैपिडो बाइक ड्राइवर कैसे बने? सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर से रैपिडो कैप्टन मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद गेट स्टार्ट पर टैप करें और दोस्तों अगले पृष्ठ पर अपनी भाषा का चयन करें और पृष्ठ के दाएं कोने पर तीर का निशान पर टैप करें। आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके पंजीकरण का लॉगिन करना होगा आवश्यक होता है। अगले पेज पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें। अब आप सर्च सिटी से एक शहर चुनने की आवश्यकता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में शहर का चयन करें, सेवा चुनें और नेक्स्ट टैप करें। नए पेज पर आवश्यक विवरण, नाम, जन्मतिथि, रेफरल कोड आदि दर्ज करें, अपनी तस्वीर ऐड करें और तीर विकल्प को टैप करें। अगले पृष्ठ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस संपत्ति विधि और इसके अलावा आप इससे जुड़ी सभी जानकारी इसमें भरें। आवश्यक विवरणों को पूरा करने और आप लॉगिन करें। इसके लिए सवारी की पेशकश शुरू करने के लिए सक्षम होंगे। कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको रैपिडो कैप्टन बनाने के लिए होनी चाहिए। यहाँ उन चीज़ों की एक सूची दी गई है जिन्हें आप आवेदन करने से पहले जांचना होगा। तो दोस्तों, आपको एक रैपिडो बाइक ड्राइवर बनने के लिए हमने सभी जानकारी बता दी है। बाइक ड्राइवर के यह सभी कार्य होते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, अगर आप बाइक ड्राइवर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसे ही आगे की जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, चलते हैं ऐसे ही आगे की जानकारी की तरफ। हमने आपको एक एक करके सभी जानकारी अपने वीडियो के पॉइंट में दी है कि आप एक रैपिडो बाइक ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। बाइक ड्राइवर बनने के लिए आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको ऐसे ही आगे की जानकारी की तरफ हम आपको अपनी वीडियो में लेकर चलते हैं और जान लेते हैं एक रैपिडो ड्राइवर बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। आपके पास 4G मोबाइल डेटा कनेक्शन वाला एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। आपके पास 2009 या नए मॉडल की बाइक होनी चाहिए। आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और आपके लिए RC होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास वैध बाइक सीमा समाप्त नहीं होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, 2 हेलमेट होने चाहिए। रैपिडो में काम का समय, रैपिडो में काम करना प्रोटेबल है, आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों काम कर सकते हैं। आप सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक काम कर सकते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई और काम करते हैं तो रैपिडो में आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। रैपिडो में क्या होता है किराया? यह सर्विस प्रति किलोमीटर पर कार्य करती है जो कार टैक्सी सर्विस से काफ़ी सस्ती है। अगर आप किसी कस्टमर को 4 किलोमीटर
तक ले जाते हैं तो आपको 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से फेयर मिलता है। अगर आपकी दूरी कोई कस्टमर 20 किलोमीटर या 4 किलोमीटर से अधिक है तो 7 रुपये किलोमीटर हो जाता है। अगर कोई कस्टमर 20 किलोमीटर जाता है तो आपको 140 रुपये मिल जाएंगे, जबकि आपका पेट्रोल 20 से 25 रुपये का ही खर्च होगा। इसके हिसाब से आराम से दिन में 700 से 1200 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।